फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो है वोकैबुलरी। अगर तुम्हारे पास वर्ड है तो तुम उसे इस्तेमाल करके बहुत सुंदर तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो। वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो है फ्रेजल वर्ब, जो आज हमारे मेन टॉपिक है। आज हम हमारे वीडियो में ऐसा कुछ फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो आपके इंग्लिश को और परफेक्ट बनाने के लिए मदद करेगा। हम फ्रेजल वर्ब के साथ साथ उसका इस्तेमाल एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि तुम्हारे जो भी कंफ्यूजिंग है वो दूर हो जाए। जैसे हमारे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के फास्ट में दिया हुआ है ईट अप, खाना। आज हम हमारे वीडियो में ऐसा कुछ फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो आपके इंग्लिश को और परफेक्ट बनाने के लिए मदद करेगा। हम फ्रेजल वर्ब के साथ साथ उसका इस्तेमाल एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि तुम्हारे जो भी कंफ्यूजिंग है वो दूर हो जाए। जैसे हमारे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के फास्ट में दिया हुआ है ईट अप, खाना। फास्ट ईट अप, पूरा खा जाना, मतलब जब तक प्लेट में खाना रहेगा तब तक तुम्हें नहीं उठना है, पूरा कंप्लीट करने के बाद ही उठना है। आप आज हम लोग जो फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे वो यूपी आपका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप मीनिंग फिनिश, आप इस फिनिश और कंप्लीट समथिंग, आपका इस्तेमाल होता है कोई चीज को फिनिश करना या कंप्लीटली उस चीज को कर देना, कोई चीज खत्म या पूरा करना। जैसे मान लो तुम कुछ खा रहे हो, चाहे हो खाना हो चाहे कोई ड्रिंक्स हो, तो उस टाइम में हम लोग आपका इस्तेमाल करेंगे ताकि तुम्हें सही से बता सके जो तुम खा रहे हो या पी रहे हो उसे पूरा करना है तुम्हें। हमारा आज का फास्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है ईट अप, पूरा खा जाना। एग्जाम्पल, ईट अप, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी जल्दी खाओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। सेकेंड, कम ऑन, ईट अप योर फूड, कंप्लीट करो, ईट अप बिफोर योर फूड गेट कोल्ड, खाना खा लो इससे पहले तुम्हारा खाना ठंडा हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल पे देखो, ड्रिंक अप, पीना, और पी जाना, पूरा पी जाना जब तक ग्लास खाली ना हो जाए। एग्जाम्पल, ड्रिंक अप योर मिल्क, तुम्हें अपना मिल्क पूरा पीना है, ड्रिंकिंग योर मिल्क, ये तुम अलग से भी बोल सकते हो, ड्रिंक अप योर मिल्क या तो फिर ड्रिंकिंग योर मिल्क। सेकेंड, कम ऑन, ड्रिंकिंग अप योर जूस, ड्रिंक अप योर जूस, कम ऑन, ड्रिंक अप योर जूस, ड्रिंकिंग अप, वी नीड टू हैव सून। थर्ड एग्जाम्पल लो, फिनिश अप, ड्रिंक अप, फिनिश अप। हमारा थर्ड एग्जाम्पल फिनिश अप, खाना या पीना पूरा खत्म करना, फिनिश अप आपका मतलब होता है खाना या पीना पूरा खत्म करना। एग्जाम्पल ले लो, कम ऑन, फिनिश अप योर फूड। सेकेंड, सी, आई फिनिश अप माई मिल्क, हमारा मिल खत्म हो चुका है। फोर्थ एग्जाम्पल, हीट अप, लगभग फिनिश अप और हीट अप सेम तरीके से यूज होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि हीट अप, गरम करना,
एग्जाम्पल के थ्रू हम बोल सकते हैं जस्ट हीट अप द फूड इन द माइक्रोवेव। हम माइक्रोवेव पे हमारा खाना थोड़ा सा गर्म करते हैं। सेकेंड, आई हैव हीट अप द मिल्क, यू कैन ड्रिंक इट नाउ। हम हमारा मिल्क गर्म किए, तुम तुरंत उसे पी लो।